मकर संक्रांति पर हम खिचड़ी के साथ साथ काले तिल का भी दान करते हैं और काले तिल और गुड़ के लड्डुओं को हम घर पर जब बनाते हैं कम लागत में बहुत ढेर सारे तैयार होते हैं और घर के बने हुए लड्डू बहुत ही शुद्ध और टेस्टी होते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो चलिए आज हम आपके साथ तिल और गुड़ के लड्डुओं की रेसिपी शेयर करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए लिया है हमने 500 ग्राम काला वाला तिल और इनको हमने पहले से धुल करके धूप में सुखा लिया है जिससे ये एकदम साफ हो गए हैं। इसे हम भूनेंगे। तो भूनने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें से हमने आधा तिल इसमें डाल दिया है। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्के से चिटचिट से आवाज़ आने लगे तब तक ही हमें इसे भूनना है। यहाँ पर हमने सारे तिल को 2 बैच में भून लिया है, आप इसको पास से भी देख सकते हैं। अब लड्डुओं को बनाने के लिए हमें बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने सेम कढ़ाई गैस पे रख दी है जिसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है। यहाँ पे 400 ग्राम हमने गुड़ लिया है, गुड़ को भी हमने इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम को अभी हमने मीडियम टू हाई किया है जिससे गुड़ हमारा जल्दी से गल जाए और चाशनी जल्दी से बन जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे जब गुड़ गल जाएगा। तो ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो गाइस, जब तक चाशनी बन रही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए चाशनी लगभग बन गई है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए एक बाउल में आप पानी लीजिए, थोड़ी सी चाशनी डाल के देखिए और चाशनी डालने के बाद देखिए इसको हम उठा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से उठ नहीं रही है, अभी ये फैल रही है, तो इसका मतलब चाशनी अभी कम हुई है। 1 मिनट तक चाशनी को हम और पका लेते हैं और 1 मिनट पकाने के बाद हम फिर से कटोरी में ऐसे पानी डाल के और चाशनी को थोड़ा सा डालेंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार है, इसकी गोली बनने लगी है। तो बस हमको इतना ही पकाना है कि जब तक कि इसकी गोली नहीं बनती है, इससे कम पकी होगी तो लड्डू हमारे जो हैं बंधने के बाद फैल जाएंगे और इससे ज़्यादा पकी होगी तो लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे तो खाने में दिक्कत होगी। आप चाशनी को बीच बीच में चेक करते रहिए, जब गोली बनने लगे तब तक ही आपको चाशनी को पकाना है। तिल के बीचों बीच में हमने थोड़ी सी जगह कर दी है और थोड़ी थोड़ी करके चाशनी को डालते जाएंगे और तिल को हम इसमें मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसमें सारी चाशनी डाल दी है और तिल को चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिला दिया है। तो अभी ये तिल गर्म है तो चम्मच का तिल हम दूसरे चम्मच से छुड़ा देते हैं, ठंडा हो जाने पर छूटने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर से गर्म करना पड़ता है। और हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और पकने लगता है और हाथ जलने का भी डर रहता है, बस हल्का सा ही ठंडा हो जाए जितने में हमारे हाथ सह सके। तो ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा पोर्शन लेकर के हम इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल से लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू हम बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे से बनाएंगे और इसको एक ही लड्डू एक बार में आप खा सकते हैं। छोटे छोटे से लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इनको दान करिए, घर पे खाइए। आप अपना मकर संक्रांति पर इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। तो ये देखिए लड्डू हमारे बन करके सारे तैयार हो गए हैं और इन लड्डुओं को आप कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो ये देखिए हमारे कितने साइनी साइनी से लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, आप इन्हें कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।